गवार विद्युत थी देश के अंदर, नहीं राजस्थान के अंदर, देश में नहीं, राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली थी। वही राजा महाराजाओं के या बड़े घराने के अंदर टिमटिमाती थी खाली 13 मेगावाट। आज तो 22,000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन होने लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस रूप में बढ़ोतरी हुई है, कहाँ के काम पहुँच गए। हमेशा बिजली उपलब्धता नहीं है, शॉर्टेज है, उसको लेके शिकायत बनी रहती थी। और चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, या आम आदमी को नहीं हो, अब तो छात्र हो, युवा हो, बिना बिजली काम चलता ही नहीं किसी का भी। और हमेशा शिकायत रहती थी बिजली आती नहीं है, किसान भी हल्ला करता था पूरी बिजली मिलती नहीं उसको, उद्योग जगत भी शिकायत बनी रहती थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस प्रकार थर्मल पावर प्लांट, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो और चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, जिस रूप में हमने प्रगति की है, उसका परिणाम है कि आज हम लोग बिजली के मामले में सरप्लस हो गए हैं। खाली उपलब्धता नहीं है, सरप्लस बिजली हमारे पास हो गई है। इस स्थिति में पहुँचना मैं समझता हूँ कि राजस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तभी संभव हुआ जब अभी हमारे जो कमेंट्री कर रहे बोल रहे थे कि ये समय पर फैसले करने का परिणाम है, वरना आज भी हम लोग सरप्लस नहीं रहते। सही समय पर सही फैसले होते हैं, उसका लाभ जनता को मिलता है। और ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगने के मतलब ये भी है, जो कोयला है या पानी है उसकी जरूरत कम पड़ेगी, इतनी आधुनिक तकनीकी के ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लग रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ में हमने जो ध्यान दिया पवन ऊर्जा, हवा से ऊर्जा जो बनती है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, तब हमने इस काम को शुरू किया था और 2 मेगावाट शुरू किया जैसलमेर के अंदर। उसी वक्त में बायोमास का शुरू किया था, उस वक्त तक सोलर पावर प्लांट लगने शुरू नहीं हुए थे, ये तकनीकी आई नहीं थी देश के अंदर। तो मुझे खुशी है हमारे फैसले, हमारी नीतियाँ, चाहे वो विंड एनर्जी की हो, चाहे वो सोलर एनर्जी की हो, चाहे बायोमास की हो, उसके कारण आज विंड एनर्जी 4,310 मेगावाट के प्लांट लग चुके हैं। 4,310 मेगावाट के प्लांट राजस्थान के अंदर। विंड एनर्जी जो हवा में पंखे चलते हैं उससे बिजली बन रही है। पहले थर्मल पावर प्लांट 250 मेगावाट के बनते थे तो हम बहुत खुश होते थे, 250 मेगावाट का पावर प्लांट थर्मल बन गया हमारे। अब पवन ऊर्जा से 4,310 मेगावाट उत्पादन होने लग गया और 12 मास से 129 मेगावाट का उत्पादन होने लग गया। और सबसे खुशी की बात है कि जब तकनीकी आई है सोलर पावर प्लांट की, कि सूर्य की किरणों से बिजली बने, सूर्य भगवान जो है वो बिजली दे रहा आपको, ये तकनीकी बन गई दुनिया के अंदर, देश में आ चुकी है। हमने पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब हमने इस तकनीकी की नीति बनाई थी सोलर पावर प्लांट की। मुझे खुशी है कि उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आने लगा और आज 3,424 मेगावाट सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनने लग गई है फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से। तो आप कल्पना कीजिए, इसलिए आज हम सरप्लस हो गए हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी तो हम सरप्लस हो गए हैं, मुझे अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि सन 21-22 तक का इंतजाम हमने कर लिया, सरप्लस रहेंगे 21-22 तक, 3-4 साल तक मुश्किल से, उसके बाद वापस कमी हो जाएगी, फिर वो शिकायत रहेगी। तो मैंने इनको कहा है कि आप प्लान बनाना शुरू करें अभी से ही, अभी प्लान बनाएंगे तो 2-3 साल लगते हैं। और उसके बाद में
प्लान बनेगा तो नए पावर प्लान लगें, प्राइवेट सेक्टर में लगें चाहे वो पब्लिक सेक्टर में लगें। राजस्थान सदियों से अकाल सूखे का मुकाबला करता आया है, अब जाके बड़ी बड़ी मशीन आ गई, रिक्शा आ गई, ट्यूबवेल खुदने लग गए, वरना तो पानी को लेकर तरसते थे पश्चिमी राजस्थान के लोग, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये रिक्स इतनी आधुनिक आ गई। जब आप 500, 600, 700, 800 फीट तक खोद सकते हैं ट्यूबवेल को भी, पानी निकलने लग गया, खेती होने लग गई, पर बिजली के बगैर वो भी नहीं हो सकता। बिजली किसान को भी चाहिए, अगर रोजगार देना नौजवानों को तो उसके लिए उद्योग स्थापित हो, व्यापार फले फूले, उसके लिए बिजली चाहिए। बिना बिजली के विकास संभव नहीं है। राजस्थान अब सरप्लस में आ गया है तो सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, उसका धर्म बनता है कि हम वो सोच रखें। सरकार बदलते ही हम लोग काम बंद नहीं करते पुरानी सरकार की, अनावश्यक रूप से, जैसे पिछली सरकार ने किया, बड़ी चोट की हमारे साथ में। रिफाइनरी आ रही थी, बिना मतलब बंद कर दिया उसको, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बाड़मेर के अंदर। रेल लाइन बिछ रही थी आदिवासियों में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, करौली जुड़ रहा था, टोंक जुड़ रहा था रेलवे से, सारे पर मान। एक मेमो कोच फैक्ट्री आ रही थी भीलवाड़ा में, काम बंद। आप पवन नदी पे बांध बन रहा था, ये प्रमोद भाई ने बहुत मेहनत करके उसको स्वीकृत करवाया, बिना कोई कारण के उसको डिले कर दिया। अरे ये तो हड़ौती का क्षेत्र था, जोधपुर डिवीजन तो था नहीं भाई कि मैं वहाँ का मुख्यमंत्री थे तो कोई उपेक्षा करो। जोधपुर की बहुत उपेक्षा हुई थी उस वक्त में, कसूर यही था कि मैं रहने वाला जोधपुर का हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता। वसुंधरा का कोई काम, चाहे झालावाड़ का हो, बारा का हो, कोटा का हो, बूंदी का हो, या राजस्थान किसी क्षेत्र का हो, उनके वक्त के प्रोजेक्ट हैं, मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि काम जनता के होते हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने रोके तो नुकसान राजस्थान को हुआ, डिले हो गए रिफाइनरी काम, जहाँ 40,000 लोगों को काम मिलता। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस शोर के साथ हम बढ़ेंगे तो टाइम पे पावर ब्रेड नए भी आए, अच्छी नीतियाँ बने राजस्थान विकास के अंदर, राजस्थान तेज गति से विकास हो, राजस्थान का नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए आज के ज़माने के अंदर। नौजवान नौकरियों के लिए भटकता फिरता है, नौकरी मिलती नहीं है, और सभी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, और सरकारी नौकरी में भी कई शिकायत है, अभी तक तो कई लोग परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि कृपा करके आप लोग जो आए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार की तरफ से पावर सेक्टर में कोई कमी नहीं रखेंगे, उत्पादन के साथ साथ में ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत बने, GSS का जाल बिछे, पहले जाल बिछाया भी है, 33 KVA का, 132 KVA का, 220 KVA का, 400 KVA का GSS, और उससे ज़्यादा भी फागी के अंदर अंत में तो 765 KVA का GSS बन चुके हैं, जिनकी लागत 2,000 करोड़ होती है, जिससे कि ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत रहे। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा इतिहाई पावर के GSS बने, जिससे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है बन रही है, ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होगा तो कैसे आगे काम आएगी, कैसे उसका विस्तार होगा, वो चिंता हमारे दिमाग में है और विभाग उस काम को देख रहा है। इतने में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, CSR का फंड होता है जिसके माध्यम से आस पास के गाँव में कुछ विकास के काम हो सकते हैं। मैंने सुना है पिछली बार वो पैसा कहीं बाहर चला गया, और 13-14 करोड़ तो लगाए हमारी कंपनियों ने यहाँ पर गाँव के अंदर खर्च किया है। मैं चाहूँगा कि ये इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है छबड़ा का भी, जो CSR का फंड होता है कंपनियों के पास में,
जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था उस फंड को, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया कंट्री में, जो भी उद्योगपति हैं वो अपनी आमदनी का लाभ का सर्टेन परसेंटेज जन कल्याण में लगा है, लोगों की सेवा में लगा है एनजीओ के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सीएसआर के माध्यम से भी आपके छोटे बड़े काम गांवों के विकास के वो भी पूरे होंगे। इस प्रकार से अभी भी 1400 लोगों को रोजगार यहाँ मिल रहा है, आस पास के लोगों को। तो इस प्रकार से कहने को बहुत कुछ है, पर मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो उससे भी ये बात की है कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत हो, उसकी शिकायत आती रहती है। बिजली उपलब्ध है उसके बावजूद भी कई बार गांव में या शहर में ट्रिपिंग होती है, बिजली की कटौती होती है, उसकी शिकायत लगातार आती रहती है। अभी मैंने और कल्ला जी ने 10-12 दिन पहले मीटिंग ली थी इस काम को लेके, और ये प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा तंत्र जो मजबूत बना है और मजबूत बनेगा उसको और मजबूत बनाएं, जिससे कि जब बिजली उपलब्ध है तो उसका लाभ तो तब मिलेगा तब उसका वितरण जो है वो मजबूती के साथ होगा, गांव तक, ढाणी तक, कुएं तक, उद्योग तक और आम लोगों तक, उन्हें घरों में जाएगा, छात्र पढ़ सकेंगे, तकलीफ नहीं होगी छात्रों को। ये प्रयास हमारा जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें अवश्य सुधार होगा। यही बात कहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रदेशवासियों को मुबारकबाद कि प्रदेश के अंदर 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बनने से 1320 मेगावाट का एडिशन हुआ है, उसके लिए पूरा प्रदेश बधाई के पात्र। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, निश्चित रूप से आपके कुशल नेतृत्व